Hey Chana, welcome to my guys. Hello everyone, welcome back to my new vlog. इस vlog में हम करेंगे question answers के reply. अभी एक दो दिन पहले मैंने Instagram पे story डाली थी कि new year new questions पूछो, तो उसमें काफी लोगों ने बहुत कुछ पूछा और कुछ questions तो बिल्कुल repeat थे, तो अभी कुछ questions के reply करूंगी. तो पहला question ये है, आपका boyfriend कौन है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आई एम सिंगल. और मैं काफी टाइम से मतलब देख रही थी इसी क्वेश्चन को, मतलब बहुत रिपीट क्वेश्चन, आपका बॉयफ्रेंड कौन है, आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है. अरे जो बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसका नाम क्या होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपने बताया नहीं. मेरी फैमिली में मैं हूँ छोटी, एंड मेरी बड़ी सिस्टर है, उसका नाम है पायल, एंड शी इज डूइंग MSc राइट नाउ. और उसके बाद मेरी मम्मी है, शी इज हाउस वाइफ, एंड पापा आर्मी में है बट वो साथ नहीं रहते. तो इसके बारे में मैं मतलब इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, आगे जाके बताऊंगी. अभी काफी लोग पूछते हैं कि आपके पापा कहाँ हैं, आपके पापा नहीं दिखते, तो वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. अभी इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताया है, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत. एंड जयपुर कब आ रही हो आप? अभी तो कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी मेरी स्टडी चल रही है. आफ्टर 1 or 2 ईयर में भी देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? तो मैंने अभी पढ़ाई की नहीं है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ. मैं अभी BA सेकेंड ईयर में हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, पोल साइंस एंड साइकोलॉजी. नॉट बैड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में शादी कर लो. तेरा तो गेम बजाना पड़ा. सो शादी तो मैं नहीं करने वाली अभी, क्योंकि अभी मेरी एज नहीं है. और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपकी एज कितनी है? तो मेरी एज है 20 इयर्स. और अभी मैं शादी वादी का तो कोई प्लान नहीं है, बिकॉज अभी मैं छोटी सी बच्ची हूँ और अभी मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत मेहनत करनी है, आप लोगों का दिल जीतना है. तो अभी ना तो मेरे पास बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम है, ना मेरे पास शादी करने का टाइम है. तो अभी मैं सिंगल हूँ और मैं खुश हूँ. आप लोगों से मेरी खुशी नहीं देखी जाती क्या? सही खेल रहे हैं. और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है कि मीता आपका कौन है, क्या लगता है आपका मीते के साथ, क्या चक्कर है, आप दोनों वीडियोस क्यों नहीं बनाते, मीता आपका क्या लगता है. सो इन सबका एक ही जवाब है, मीता और मैं बस एक अच्छे दोस्त है, दैट्स इट. मीता मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, नहीं है, नहीं है. और एक क्वेश्चन ये आता है कि आप मीता से शादी कर लो. शादी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है. शादी का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तो मतलब बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, डिजर्विंग. और सेकेंडली मीता और मैं दोस्त है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब शादी वादी का सोचे भी. हम कभी कभी बात करते हैं, वो भी सिर्फ काम से रिलेटेड, कभी उसको काम होता है, कभी मुझे काम होता है. इसके अलावा हमारा कोई इतना वो इंटरेक्ट नहीं है कि हम फ्यूचर की सोचे या फिर कुछ भी. हम सिर्फ अच्छे दोस्त है, डेट्स इट. और हम कहाँ मिले थे, हम इंस्टाग्राम पे मिले थे और लाइव के थ्रू ही मिले थे, तो बस इतना ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन ऑफ क्यूटनेस. कुछ क्यूटनेस नहीं है. मैं जो भी हूँ आप सबके सामने हूँ, और इसका अगर क्यूटनेस कह रहे हो या कुछ भी कह रहे हो तो इसका सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को ही जाता है. ऑफकोर्स उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो आप उनसे पूछो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूल्हे की मैगी कैसी लगी? चूल्हे की मैगी बहुत टेस्टी थी, लाजवाब, मजा आ गया, मतलब बस क्या बताऊं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भोलू आपका क्या लगता है, ये भी बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन रहता है. भोलू कौन है, कहाँ से है, आपका क्या लगता है, आपका दोनों का क्या रिलेशन है.
तो भोलू का और मेरा रिलेशन कुछ भी नहीं है, ही इज मैरिड, भोलू मेरा अच्छा दोस्त है और इसके अलावा कुछ नहीं है भोलू के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रिप्लाई तो देते नहीं पर फिर भी एक क्वेश्चन है, आपको कुकिंग आती है या नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो मुझे कुकिंग आती है और मैं सब कुछ बना लेती हूँ, रोटियां भी बना लेती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके घर में कितने मिस्त्री काम कर रहे हैं। तो हमारे घर में 2 मिस्त्री एंड 2 मजदूर काम कर रहे हैं, कभी 4 भी आ जाते हैं, कभी 3, कभी 2, कभी 1, डिपेंड ऑन वर्क। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी आप हरियाणा रेवाड़ी कब आओगे। अभी मेरा कहीं आने का कोई प्लान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्यार होगा किससे हुआ है, प्लीज टेल मी दीदी। मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है, आई एम सिंगल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप प्रेरणा दी को कैसे जानती हूँ। मैं प्रेरणा दी को 1 साल से जानती हूँ। और कैसे, कहाँ से जानती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे ही मिली थी प्रेरणा को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम करनाल से हो क्या। नहीं, मैं करनाल से नहीं हूँ, मैं पानीपत से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, और वैसे मुझे सारे ही कलर अच्छे लगते हैं, व्हाइट को छोड़ के, क्योंकि व्हाइट बहुत जल्दी मैला हो जाता है। सो इसलिए मुझे व्हाइट कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डिड यू गेट एनी सरप्राइजिंग न्यूज। यस, कल ही मुझे न्यूज मिली है कि 12 दिन के लिए कॉलेजेस स्कूल्स बंद कर दिए हैं, और अभी मैं 12 दिन शांति से अपने घर पे बैठूंगी और आराम से इंजॉय करूंगी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी यूट्यूब के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। तो ये इस साल की मेरे लिए सबसे अच्छी न्यूज थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच बताना, लड़के को लड़की धोखा देती है कि लड़की को लड़का धोखा देता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, टाइम पे, लड़का लड़की पे, क्योंकि हम दोनों को ही ना सही बता सकते हैं ना गलत बता सकते हैं। सो हमें नहीं पता ना उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, ना हमें कुछ आइडिया है। सो हम नहीं बता सकते कि कौन बेवफा है, कौन धोखेबाज है, कौन किसको धोखा देता है, कौन किसको धोखा नहीं देता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि मेरी तारीफ की है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है दीदी और मुझे आपकी वीडियोस अच्छी लगती है। हाय सिस्टू, लव यू जान, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं, डिपेंड करता है पर्सन पे। और अब कहते हैं कि शादी कब करनी चाहिए, वो भी डिपेंड करता है पर्सन पे। अगर मैं प्रिपेयर हूँ शादी के लिए तो मैं अभी कर लूंगी, अगर मैं नहीं हूं तो क्या पता मैं 30 साल की भी ना करूं। तो रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, एक अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती बहुत लंबे समय तक चलती है। जो रिलेशनशिप होता है वो मतलब आने वाले टाइम में मतलब ना दोस्ती रहती है, मतलब कुछ भी नहीं रहता, लिंक बिल्कुल टूट जाता है। तो फॉर मी, मैं तो दोस्त बनाती हूँ और उसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज योर बेस्टी। माई बेस्टी दो है मेरी बेस्टी, एक तो मेरी स्कूल मेट की है और एक मेरी यहाँ पे है। तो स्कूल मेट का नाम है सुमन, और जो एट प्रेजेंट है, जो मेरे साथ स्कूल में नहीं थी, जो मुझे इंस्टाग्राम से मिली थी, वहां पे मुझे मिली थी प्रेरणा, आप लोगों को पता ही होगा। तो हाँ, बस ये दो है। और बॉयज में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बट हाँ एक फ्रेंड है जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है और मुझे बहुत मतलब मोटिवेट भी करता है, उसका नाम है अमन मलिक, और वो बहुत अच्छा है और मुझे काफी मतलब इंस्पायर करता है वो, और बहुत मोटिवेट भी करता है कि वीडियो बना कुछ अच्छा कर। तो बस मुझे उस पर ट्रस्ट है, मुझे वो अच्छा लगता है। और दीपू है, दीपू को मैंने भाई बना रखा है, तो वो भी बहुत अच्छा है मेरे लिए, औरों के लिए मुझे नहीं पता बट मेरे लिए बहुत अच्छा है वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच यू अर्न फ्रॉम इंस्टा एंड यूट्यूब, न्यू क्वेश्चन। सो इंस्टाग्राम से मैं 30-40 के अर्न कर लेती हूँ, और यूट्यूब से अभी मैं कुछ अर्निंग नहीं कर रही, अभी स्टार्टिंग है मेरी, तो अभी देखते हैं यूट्यूब का। तो इंस्टाग्राम से तो मैं 30-40 के आराम से अर्न कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नंबर ही दे दो जी, सॉरी मैं अपना नंबर नहीं दे सकती, ना मेरे पास इतना टाइम होता किसी से बातचीत करने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल कॉलेज खुलवा दे बेबे, घर झाड़ू पोछा नहीं करा जाता।
ये मेरे हाथ में नहीं, ये गवर्नमेंट के हाथ में. अगर हमारे हाथ में इतनी पावर होती तो हम पता नहीं क्या से क्या कर देते. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई एम सिंगल, आई एम हैप्पी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हरियाणवी सॉन्ग कब कर रही हो? हरियाणवी सॉन्ग अभी नहीं कर रही. अगर कुछ अच्छा सॉन्ग ऑफर आता है तो करती हूँ, अदरवाइज मुझे अभी नहीं करना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंगा लाला हो क्यों है, वो क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीता और आपको लेकर डाउट है. क्या डाउट है? मैंने अपने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं. मीता और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है. सो अभी इन सारे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस बहुत सिमिलर थे तो मैं फटाफट उनके फटाफट रिप्लाई कर देती हूँ. मेरा नाम है काजल, मेरी एज है 20 ईयर्स, मैं पानीपत हरियाणा में रहती हूँ. और मीता मेरा अच्छा दोस्त है, भोलू भी मेरा अच्छा दोस्त है, दीपू मेरा भाई है, मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रेरणा और सुमन है, और मेरे बहुत कम दोस्त हैं बट जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पिंग है और बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे. और मेरी फैमिली में मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी रहते हैं. और बस तो, और मेरे पास कौन सा फ़ोन है? मेरे पास iPhone 11 है. और ये फ़ोन मुझे मिला था 11th क्लास में. और बस आई होप आप सबके क्वेश्चंस के रिप्लाई मिल गए होंगे. और अगर और कुछ हो तो आप, मैं दोबारा स्टोरी डाल दूंगी. अगर और कुछ भी रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हो. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. और बताना कि आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर इंटरेस्टिंग लगा. और कुछ क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हो. ठीक है, बाय, लव यू ऑल.